गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ आईटीआई प्लम्बर। प्लम्बर का जॉब कैसे पाए, प्लम्बर कैसे बने, प्लम्बर की सैलरी क्या होती है, दोस्तों आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्लम्बर कैसे बने, प्लम्बर की सैलरी क्या होगी, प्लम्बर का जॉब कैसे हमको मिले। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आप प्लम्बर बनना चाहते हैं तो। दोस्तों अगर आप प्लम्बर का कोर्स भी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए आपको हम बताते हैं प्लम्बर कैसे बने। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि प्लम्बर क्या है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि किसी भी इमारत में पानी या गैस की पाइप को स्नान घर, शौचालय या रसोई घर में जोड़ने की उनकी मरम्मत लगाने वाले प्लम्बर कहा जाता है। दोस्तों किसी भी इमारत में पानी या गैस की पाइप को स्नान घर, शौचालय या रसोई घर में जोड़ने उनकी मरम्मत लगाने वालों को प्लम्बर कहा जाता है। एक प्लम्बर का सबसे ज़्यादा काम पानी से संबंधित ही होता है। बड़ी बड़ी नहर से शहरों तक पाइपों द्वारा पानी लाना और शहरों से फिर गांव में पानी लेकर जाना और गांव में सभी के घर में पानी की पाइप को जोड़ना, यह सभी काम एक प्लम्बर करता है और यह काम एक प्लम्बर इंजीनियर द्वारा ही किया जाता है। प्लम्बिंग इंजीनियर बनने के लिए आपको पहले डिप्लोमा प्राप्त करना पड़ता है। यह डिप्लोमा आप आईटीआई या पॉलिटेक्निक से प्राप्त कर सकते हैं। प्लम्बर कैसे बने, प्लम्बर बनने के लिए आपको डिप्लोमा इन प्लम्बिंग टेक्निक का कोर्स करना पड़ेगा। यह आप 10वीं कक्षा के बाद में कर सकते हैं और यह कोर्स 1 साल का होता है। यह कोर्स आप अपने नज़दीकी आईटीआई संस्थान से कर सकते हैं और यह कोर्स आपको प्राइवेट और सरकारी दोनों संस्थानों में मिलेगा। अगर आपकी रुचि प्लम्बिंग में है तो आपके लिए यह कोर्स बहुत अच्छा है और इसका आगे भी काफ़ी स्कोप है। प्लम्बर डिप्लोमा फीस, जैसे कि हमने बताया यह कोर्स आप किसी आईटीआई संस्थान से कर सकते हैं। आईटीआई प्लम्बर फी प्राइवेट आईटीआई संस्थानों में उनके सिस्टम के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन सरकारी संस्थानों में इसकी फीस बहुत ही कम होती है। यह भी संस्थानों के ऊपर डिपेंड करती है कि वहाँ पर कितनी फी ली जाती है, लेकिन जहाँ तक संभव हो आप सरकारी आईटीआई से आईटीआई प्लम्बर कोर्स डिटेल्स लें और फिर सरकारी आईटीआई में ही डिप्लोमा को करें। प्लम्बर की जॉब, जैसे कि हमने पहले बताया एक प्लम्बर का काम होता है किसी भी पानी या गैस की पाइप को शौचालय, स्नानघर या रसोई तक जोड़ना या उसकी मरम्मत करना। तो जहाँ पर भी पानी की पाइप लाइन या गैस लाइन का इस्तेमाल होता है वहाँ पर प्लम्बर की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। इसलिए प्लम्बर को कई जगह पर नौकरियां मिल सकती है। इसके लिए प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह से ही आप काम कर सकते हैं। प्लम्बर, एयर कंडीशनिंग एंड मैकेनिकल सर्विस प्लम्बर, टिनर कास्ट फिटर, गैस फिटर है, रूफ प्लम्बर या प्लम्बिंग फोरमैन, पाइप फिटर या स्टीम फिटर। प्लम्बर की सैलरी क्या होती है, प्लम्बर का कोर्स करने में तो बहुत कम समय का होता है। आप 1 साल के कोर्स में ही प्लम्बर बन सकते हैं, लेकिन यह एक बहुत बढ़िया नौकरी है अगर आपको यह सरकारी डिपार्टमेंट में मिल जाती है। यह काम आप बिना नौकरी के भी कर सकते हैं। कहीं पर भी आप अपने शहर में दुकान खोलकर अब प्लम्बर का काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि प्लम्बर की ज़रूरत हर घर में पड़ती है। लेकिन भारत में एक प्लम्बर की सैलरी उसके पद और उसके काम के अनुभव के ऊपर निर्भर करती है। वैसे एक प्लम्बर की सैलरी 15,000 से 20,000 महीना तक होती है। दोस्तों आपको अभी हम बताएं आईटीआई प्लम्बर, प्लम्बर कैसे बने, प्लम्बर की सैलरी क्या होती है, प्लम्बर में हम जॉब कैसे पाएं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे हम आपको प्लम्बर के बारे में और भी बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।